सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारा फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन कोर्स का थर्ड वीडियो होने वाला है और इस वीडियो हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में कि आखिर ये प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं और कुछ मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिख रखी है प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो उसको पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। अब देखो ये यहाँ पे कह रहा है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आर अ सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशन दैट अलाउ डिफरेंट डिवाइसेस एंड सिस्टम्स टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। थिंक ऑफ देम एज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स यूज टू टॉक टू ईच अदर। विदाउट प्रोटोकॉल्स डिवाइसेज वुडंट अंडरस्टैंड द डेटा दे रिसीव फ्रॉम वन अनदर। अब आप कहोगे भैया आपने इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन तो बोल दी, इसका मतलब तो समझाओ। अब देखो सिंपल लैंग्वेज में प्रोटोकॉल्स को ऐसा समझो कि प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें अलाउ करता है डिफरेंट कंप्यूटर या डिफरेंट सिस्टम्स में डेटा एक्सचेंज करने के लिए। सपोज एक मेरा सिस्टम है और एक वेब सर्वर कहीं रखा होगा, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, कहीं भी वेब सर्वर रखा होगा। अब मुझे अपने सिस्टम से और वेब सर्वर से कम्युनिकेट करना है, डेटा एक्सचेंज करना है, तो मुझे कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज़ करने होंगे। ठीक है, कुछ सेट ऑफ रूल्स को ही यूज़ करके मैं आपस में डेटा एक्सचेंज कर पाऊंगा। नो मैटर वो डेटा वेब पेज हो, वो डेटा इमेज हो, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, कुछ फाइल्स हो। तो आपको डिफरेंट डिवाइसेस या सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज़ करने होते हैं जिसको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो थिंक ऑफ देम एज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स यूज टू टॉक टू ईच अदर। विदाउट प्रोटोकॉल्स डिवाइसेस वुड नॉट अंडरस्टैंड द डेटा दे रिसीव फ्रॉम वन अनदर। अब देखो आप प्रोटोकॉल को ऐसा समझो कि कंप्यूटर की भाषा है और जो ये यूज़ करते हैं आपस में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। समझ गए, प्रोटोकॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार समझ लो, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स जिसको कंप्यूटर आपस में यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, ओवर अ नेटवर्क, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कुछ मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल्स हैं जो आप डेली यूज़ में लेते हो। अब जैसे कि HTTP हो गया, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब HTTP सभी को पता है, सबने देखा भी होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रंट एंड डेवलपर को ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता होंगी। बट ये हम इनिशियल लेवल पे इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगी उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट मैंडेटरी हैं या आप ये बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट है। तो पहले ही इन चीज़ों को सीखने से आपको आगे वाली आने वाली वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो HTTP को अगर मैं एक डिटेल में समझाऊँ तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल is a way for computers to communicate over an internet. It is the foundation of any data exchange on the web and is a protocol used to transfer data from a web server to a browser to a web page. अभी यहाँ पे कह रहा है, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे कह रही है कि जो HTTP प्रोटोकॉल है यूज़ में होता है जब हमें वेब सर्वर और अपने क्लाइंट, आपका क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, वो डिवाइस मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप, टैब, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ब्राउज़र और वेब सर्वर में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल को हम यूज़ में लेते हैं। फिर से पढ़ते हैं एक बार, HTTP इज़ अ वे फॉर कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी डेटा एक्सचेंज ऑन द वेब एंड इज अ प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम अ वेब सर्वर टू अ ब्राउजर टू अ वेब। अब देखो HTTP प्रोटोकॉल मोस्ट ऑफ द टाइम वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप कोई भी वेब पेज को एक्सेस कर रहे होते हो तो उसमें हम HTTP को यूज़ में लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में HTTP को हम वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो वही कह रहा है कि जब आप वेब सर्वर से ब्राउजर को आपस में जब डेटा एक्सचेंज करते हैं तो हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम बना रखे हैं, आप वहाँ से समझ सकते हो। इस TCP कनेक्शन में अब HTTP क्या करता है, TCP कनेक्शन को पहले स्टेबलाइज करता है, उसके बाद HTTP की हेल्प से डेटा को रिक्वेस्ट करता है और उसके बदले में सर्वर हमें रिस्पांस देता है। अब यहाँ पे देखो TCP कनेक्शन स्टेबलाइज करता है। अब TCP को मैं अभी नीचे स्लाइड्स में समझाने वाला हूँ, बट इससे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, पिछली वीडियो जो मेरी थी जिसमें हाउ आर द वेब पेज रेंडर्ड करके मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि TCP एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे वेब पेज ब्राउज़र आपको आपके ब्राउज़र जो होते हैं वो वेब पेज को कैसे रेंडर करते हैं, वो डिटेल में बताया। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ यार वीडियो को देख लेना। तो HTTP क्या करता है, जब भी उसको सर्वर और क्लाइंट आपस में डेटा एक्सचेंज करना होता है तो सबसे पहले वो TCP कनेक्शन को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, TCP कनेक्शन को स्टेबलाइज करता है, उसके बाद वो HTTP से रिक्वेस्ट भेजता है डेटा के लिए और रिस्पॉन्स में उसके बदले डेटा मिल जाता है। TCP कनेक्शन को समझाऊंगा, नीचे चलते हैं। अब देखो HTTP के बाद आता है HTTPS। HTTPS इज एन एक्सटेंशन ऑफ HTTP यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क स्पेशली द इंटरनेट। ठीक है, क्या मतलब इसका? अब देखो HTTPS एक एडवांस वर्जन है, एक एक्सटेंशन है HTTP का ही, बट ये सिक्योर्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं TLS हैंडशेक। TCP तो होता ही है, बट इसमें क्या होता है एक और एक्स्ट्रा हैंडशेक होता है जिसको हम बोलते हैं TLS हैंडशेक। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखो TLS हैंडशेक क्या करता है, TCP समझाने वाला हूँ। TCP बेसिकली कनेक्शन स्टेबलाइजेशन के लिए होता है, मैं ये आपको नीचे समझाऊंगा। TCP कनेक्शन वंस स्टेबलाइज करता है, क्योंकि HTTP में सबसे पहला काम TCP कनेक्शन ही होता है, उसके बाद ये डेटा ट्रांसफर करते हैं, डेटा एक्सचेंज करते हैं। बट अगर आप HTTPS प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हो तो पहले वो TCP कनेक्शन तो स्टेबलाइज करेगा ही, ठीक है, वो तो मैंडेटरी है। बट उसके बाद ये एक और कनेक्शन को स्टेबलाइज करेगा जिसको बोलते हैं TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये क्या करता है आपस में, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ये जो ब्राउज़र है आपका, जो ये जो क्लाइंट है और सर्वर है, आपस में कुछ सर्टिफिकेट शेयर करते हैं, कुछ एन्क्रिप्शन के मेथड शेयर करते हैं, जो उससे क्या होता है सर्वर और क्लाइंट आपस में जो भी डेटा एक्सचेंज करते हैं वो इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, अगर मैंने इस पर भी जो पिछली वीडियो थी उसमें भी TLS को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो देख लेना। तो HTTPS में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा लेयर और ऐड हो जाती है TLS की, जिसमें एक हैंडशेक होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट्स। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले देखो TCP कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाने के बाद हमारा जो ब्राउज़र है वो सर्वर से कहता है क्लाइंट हेलो कि मतलब भाई सर्वर मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा कनेक्शन है वो इनक्रिप्टेड हो, ठीक है, सिक्योर हो। तो कहता है सर्वर हमें, ठीक है भाई इनक्रिप्टेड होगा, ये लो सर्टिफिकेट। कुछ सर्टिफिकेट्स आपको देता है, क्लाइंट को भेजता है, और उन सर्टिफिकेट को यूज़ करते हैं दोनों, क्लाइंट और सर्वर यूज़ करते हैं, क्लाइंट की एक बना के आपस में एक्सचेंज करते हैं, जिससे क्या होता है जो आपका डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में वो इनक्रिप्टेड होता है। तो ये एक लेयर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड हो जाती है HTTPS में। वेयर एज HTTP में क्या होता था, HTTP में कोई भी TLS हैंडशेक नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है एज कम्पेयर टू HTTP, समझ रहे हो। तो HTTPS इज एन एक्सटेंशन ऑफ HTTP यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क स्पेशली द इंटरनेट। तो HTTP एक सिक्योर वर्जन है HTTP का ही, जिसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है TLS हैंडशेक की। ठीक है, अब आते हैं नीचे, बात करते हैं HTTP/3 या इसको क्विक प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अब HTTP/3 क्या है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं इसको, पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। HTTP/3 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP/3 एक लेटेस्ट वर्जन है HTTP का, एंड इट यूजेज अ न्यू ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कॉल्ड क्विक, क्विक UDP इंटरनेट कनेक्शन। याद रखना HTTP जो था स्टार्टिंग में वो सबसे पहले एक कनेक्शन स्टेबलाइज करता है, TCP कनेक्शन का यूज़ करता है। अगर आप HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हो तो सबसे पहले वो TCP कनेक्शन को स्टेबलाइज करता है, TCP को यूज़ करता है, उसके बाद ही आपस में डेटा एक्सचेंज होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में। बट वेयर एज HTTP/3 जो न्यू वर्जन है HTTP का ही, वो क्या करता है इंस्टेड ऑफ TCP कनेक्शन ये UDP कनेक्शन को यूज़ करता है। ठीक है, अब आप कहोगे भैया UDP क्या है, TCP क्या है, पहले समझाओ तो। ठीक है, तो इनको समझने से पहले TCP और UDP को समझते हैं। थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे TCP क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ फंडामेंटल प्रोटोकॉल विद इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट दैट इनेबल्स रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ओवर नेटवर्क। इट ब्रेक्स डाउन द डेटा इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड पैकेट्स एंड सेंड्स देम ओवर द इंटरनेट। TCP कनेक्शन एक फंडामेंटल फाउंडेशनल प्रोटोकॉल है जो डेटा को एक्सचेंज करने से पहले स्टेबलाइज किया जाता है बिटवीन टू कंप्यूटर्स, टू सिस्टम्स। इस सिनेरियो में हमारा क्लाइंट और सर्वर में TCP कनेक्शन को स्टेबलाइज किया जा रहा है, जिनमें हमारे क्लाइंट से कुछ मैसेज सेंड होते हैं सर्वर पे, सर्वर हमारे रिक्वेस्ट को पहले एक्नॉलेज करता है, और जो क्लाइंट है वो हमारे उसके सर्वर के एक्नॉलेजमेंट देता है। ठीक है, नहीं समझ में आया, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। TCP कनेक्शन इज़ मैंडेटरी इन HTTP। TCP कनेक्शन एक ऐसा समझो कि बहुत बेसिक प्रोटोकॉल है जो स्टेबलाइज किया जाता है डेटा एक्सचेंज करने से पहले, हमने HTTP में पढ़ा था। तो TCP कनेक्शन इज़ अ फंडामेंटल प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है, TCP कनेक्शन क्या होता है, अब हमारा क्लाइंट कहता है कि ठीक है भाई सर्वर भाई हम डेटा एक्सचेंज तो करेंगे, लेकिन मेरे को ना आपसे पहले कनेक्शन स्टेबलाइज करना है, ठीक है। तो इस केस में हमारा ब्राउज़र क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर से और बोलता है सिंक्रोनाइजेशन का, और सर्वर कहता है ठीक है भाई मैं आपके कनेक्शन को एक्नॉलेज करता हूँ, और ये एक मैसेज सेंड करता है हमारे ब्राउज़र पे, सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट देता है। तो ठीक है, उसके बाद सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट जैसे ही इसको मिलता है तो ये क्या कहता है, ठीक है भाई मैं आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया, अब लास्ट में मैं आपकी एक्नॉलेज को एक्नॉलेज करूँगा, समझ रहे हो। लास्ट में ये लास्ट एक मैसेज भेजता है सिंक्रोनाइज्ड कि ठीक है भाई आपने मेरे रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया था और मैं आपकी एक्नॉलेजमेंट को एक्नॉलेज करता हूँ। इसका मतलब जो लास्ट मैसेज सेंड करते हैं वो कनेक्शन स्टेबलाइजेशन का होता है, जिससे ये पूरा कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद ही एचटीटीपी की हेल्प से डेटा ट्रांसफर हो पाता है आपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टीसीपी इज़ अ फाउंडेशनल प्रोटोकॉल, ये फाउंडेशनल है। वंस टीसीपी कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाता है उसके बाद ही एचटीटीपी से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आप ले पाते हो। तो सेम एज जब मैंने बताया था कि एचटीटीपी टीसीपी कनेक्शन को यूज़ करता है, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेने से पहले टीसीपी को स्टेबलाइज करता है। मतलब इस केस में ब्राउज़र ने सर्वर को कुछ मैसेजेस भेजे होंगे, सर्वर ने कुछ मैसेजेस ब्राउज़र को भेजे होंगे, जिससे कनेक्शन स्टेबलाइज हुआ होगा, उसके बाद ही ये आप कर पाए हो, ठीक है। तो HTTP यूज़ करता है TCP कनेक्शन को, और TCP कनेक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया कि एक फाउंडेशनल प्रोटोकॉल होता है, जिसमें हमारा ब्राउज़र और सर्वर आपस में कुछ मैसेज को सेंड करके कनेक्शन को स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद ही आप HTTP की हेल्प से डेटा को रिक्वेस्ट कर सकते हो और रिस्पॉन्स पा सकते हो। वेयर एज जो UDP है, UDP क्या होता है, कनेक्शन लेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। TCP क्या था, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि TCP को डेटा एक्सचेंज करने से पहले कनेक्शन बनाता है, बट UDP नहीं करता। UDP इज कनेक्शन लेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। UDP कनेक्शन नहीं बनाता। UDP क्या करता है, UDP आपको अलाउ करता है कि बिना कनेक्शन स्टेबलाइज करे कैसे जल्दी से डेटा को एक्सचेंज किया जाए, समझ रहे हो। अब इसमें TCP में क्या था, TCP एज कम्पेयर टू UDP थोड़ा स्लो है। TCP स्लो क्यों है, क्योंकि देखो यार जब भी आप कोई भी सर्वर से डेटा मंगाते हो ना, HTTPS में क्या होता है, सर जी आप कोई डेटा मंगाओगे तो सबसे पहले वो कनेक्शन स्टेबलाइज करेगा TCP कनेक्शन की हेल्प से, उसके बाद ही डेटा को शेयर करेगा, और वंस डेटा शेयर हो जाएगा, रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, तो TCP कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपको फिर से कोई भी डेटा चाहिए होगा तो आपको फिर से कनेक्शन TCP स्टेबलाइज करना पड़ेगा सर्वर से, उसके बाद ही आप डेटा को यूज़ कर पाओगे, डेटा को रिस्पॉन्स को ले पाओगे। वेयर एज UDP में ऐसा नहीं होता। UDP कहता है कि ठीक है भाई मैं कनेक्शन लेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हूँ, मुझे कनेक्शन डेवलप करने की स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अलाउ करूँगा बिना कनेक्शन स्टेबलाइज करे आप मेरी हेल्प से डेटा को एक्सचेंज कर पाओगे बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स डिवाइसेस, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। UDP, whereas User Datagram Protocol is another fundamental protocol. Both are the fundamental protocols within the Internet Protocol suite, known for its simplicity and speed, but it does not guarantee the reliability of data transmission. It breaks data into the packets, sends them, but it does not confirm that the packets have arrived or ask for missing ones to be resent. अब देखो TCP और UDP में एक बहुत बड़ा difference है कि TCP और UDP क्या करते हैं, जैसे ही कनेक्शन स्टेबलाइज होता है तो जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स मिल रहा होता है जो कि क्लाइंट को सेंड करना है, वो उस रिस्पॉन्स को डिफरेंट पैकेट्स में या डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करता है और वन बाय वन भेजता है। तो TCP क्या करता है, TCP कहता है मैं भाई रिलायबल हूँ कि मैं जो भी डेटा भेज रहा हूँ ब्राउज़र को अपने क्लाइंट को, मैं गारंटी लेता हूँ कि वो सारे डेटा सही से ही पास होंगे ब्राउज़र तक। मतलब अगर मैं किसी 10 डेटा को भेज रहा हूँ क्लाइंट तक, तो 10 के 10 एक सीक्वेंस में जाएंगे मेरे ब्राउज़र तक। वेयर एज UDP नहीं कहता। UDP कहता है कि भाई देखो मैं ब्रेक तो कर दूंगा सारे सेगमेंट से, बट एक ऑर्डर में आप तक पहुँचे ना पहुँचे मेरी गारंटी नहीं है। तो क्या करता है देखो, इट ब्रेक्स डेटा इनटू द पैकेट्स एंड सेंड्स देम, बट इट डज नॉट कंफर्म दैट द पैकेट्स हैव अराइव्ड और आस्क फॉर मिसिंग वंस टू बी रीसेंट। UDP सेम डेटा को जो रिस्पॉन्स को ब्रेक तो करता है, बट ये गारंटी नहीं लेता कि भाई जो डेटा है वो ब्राउज़र तक पहुंचेगा और किस ऑर्डर में पहुंचेगा, इसकी गारंटी नहीं लेता है, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। TCP में क्या होता है, TCP गारंटी लेता है कि भाई अगर मैंने अपने रिस्पॉन्स को 10 टुकड़ों में बांटा है तो सारे टुकड़े एक सीक्वेंस में पहुंचेंगे मेरे ब्राउज़र तक, ठीक है। तो ये रिलायबल भी होता है, और पहुँचाने के बीच में अगर 10 पैकेट्स में से एक आध पैकेट मिस हो गए या खो गए तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मैं उस खोए हुए डेटा को फिर से रीसेंड करूँगा। वेयर एज यूडीपी में नहीं है। यूडीपी क्या कहता है? यूडीपी कहता है ठीक है भाई, मैं बिना कनेक्शन स्टेबलाइज करके आपको डेटा एक्सचेंज करने का मौका तो दूंगा, बट मेरे पास मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि भाई अगर डेटा बीच में मिस हुआ तो मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है। बट मैं फास्ट बहुत हूँ, क्योंकि जब भी आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो मेरे हेल्प से आप बहुत फास्ट को डेटा को एक्सचेंज कर पाओगे। वेयर एज टीसीपी में बार बार आपको कनेक्शन स्टेबलाइज करने की ज़रूरत होगी। तो आई होप आप बोथ कॉन्सेप्ट को समझ गए, जो यूडीपी क्या होता है और टीसीपी क्या होता है। टीसीपी रिलायबल है, टीसीपी गारंटी लेता है कि अगर डेटा लॉस्ट हुआ तो मैं रीसेंट कर दूंगा। यूडीपी रिलायबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू टीसीपी, बट ये एज़ कम्पेयर टू टीसीपी फास्ट है, क्योंकि इसमें बार बार कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें यूडीपी यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, वीडियो कॉलिंग ऐप्स होते हैं, उसमें यूडीपी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि टीसीपी एज़ कम्पेयर टू यूडीपी थोड़ा स्लो है। और टीसीपी यूज़ किया जाता है रिलायबल कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारा वेब सर्वर और ब्राउज़र में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें टीसीपी HTTPS में यूज़ किया जाता है टीसीपी को। वेयर एज यूडीपी वीडियो स्ट्रीमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग ऐप, वीडियो कॉलिंग ऐप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो टीसीपी यूडीपी समझ के कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से एक बार ऊपर चलते हैं और HTTP में देखते हैं। HTTP टीसीपी कनेक्शन को यूज़ करता है, उसके बाद ही आप डेटा को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में ले सकते हो। HTTPS क्या करता है? एक और एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है TLS की, जिसकी हेल्प से आप सिक्योर हो जाते हो। आपस में कुछ क्लाइंट की शेयर होते हैं जिससे आपका जो कनेक्शन और भी सिक्योर्ड हो जाता है। वेयर एज HTTP/3 क्या करता है? इंस्टेड ऑफ टीसीपी कनेक्शन ये यूडीपी कनेक्शन को यूज़ करता है। जैसे अभी मैंने बताया था, अगर कोई भी आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए यूडीपी कनेक्शन का यूज़ कर रहा है तो ये बहुत फास्ट होगा। बट जो पैकेट शेयर होंगे, जो पैकेट शेयर हो रहे हैं बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, ये रिलायबल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू टीसीपी। तो बट HTTP/3 एज़ कम्पेयर टू HTTP फास्ट है, क्योंकि यूडीपी कनेक्शन का यूज़ करता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप HTTP/3 को समझ पाओ होगे। HTTP इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTTP प्रोटोकॉल एंड इट यूजेज अ न्यू ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट प्रोटोकॉल के बारे में। देखो, इसके अलावा भी बहुत प्रोटोकॉल्स हैं, बट मैं कुछ ही प्रोटोकॉल्स को कवर कर रहा हूँ जिससे आपको एक्चुअल में थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल पाए कि ये आपस में चीज़ें हैं क्या, जिससे इन फ्यूचर अगर ये कॉन्सेप्ट को अगर मैं उठा के डिटेल में पढ़ाऊँ तो आपको ये टॉपिक नया ना लगे, ठीक है। अब बात करते हैं वेब सॉकेट की। वेब सॉकेट आपने बहुत सुना होगा कि रियल टाइम एप्लीकेशन में हम वेब सॉकेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत रियल टाइम डेटा देने में बहुत कैपेबल है। तो एक्चुअल में वेब सॉकेट प्रोटोकॉल होता क्या है? तो देखो यार, वेब सॉकेट प्रोटोकॉल इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स अ फुल डुप्लेक्स कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। दिस मीन्स बोथ द क्लाइंट एंड द सर्वर कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट एनी टाइम, unlike HTTP which requires a request from the client to get a response from the server. WebSocket allows for the continuous and real time data exchange, making it deal. अब देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊँ WebSocket को, तो WebSocket कहता है कि देखो, मैं अगर आप WebSocket प्रोटोकॉल को यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ एक बार कनेक्शन स्टेबलाइज करने की ज़रूरत होगी। वंस एक बार कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया, आप बिना किसी HTTP रिक्वेस्ट को सेंड किए, अब बिना किसी रिस्पॉन्स को लिए, मतलब आप एक कनेक्शन स्टेबलाइज कर लोगे, जिससे सर्वर आपको डेटा भेज सकता है और आप सर्वर को डेटा भेज सकते हो बिना HTTP रिक्वेस्ट करे हुए और बिना HTTP रिस्पॉन्स लिए हुए। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? ध्यान से समझना, फिर से समझो। वेब सॉकेट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स अ फुल डुप्लेक्स कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट। ये आपको फुल डुप्लेक्स कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, ठीक है। मतलब सर्वर भी डेटा भेज सकता है वो अपने क्लाइंट को, और क्लाइंट भी डेटा सेंड कर सकता है किसको? सर्वर को। मतलब एक कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया है, अब रियल टाइम में डेटा सेंड हो रहा है। अब अगर आपको सपोज आपने अगर कोई शेयर मार्केट की ऐप वगैरह देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि डेटा जो है, जो ग्राफ है, वो बढ़ता घटता रहता है। तो क्या उसमें क्या हुआ है कि एक बार कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया है सर्वर से, अब अगर उस डेटा में कोई भी चेंज हो रहा है ना, तो क्लाइंट को एक रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ रही है डेटा को मंगाने के लिए, सर्वर खुद ब खुद उस डेटा को सेंड कर दे रहा है, ठीक है। सपोज कोई शेयर अगर 10 रुपये का है, अगर वो एक सेकंड बाद 112 रुपये का हो गया, तो जैसे ही सर्वर में डेटा चेंज हुआ, वो बिना किसी रिक्वेस्ट को हैंडल किए, वो बिना किसी को देखे, वो डायरेक्ट क्लाइंट को अपडेट कर देगा, ठीक है। बट HTTP में क्या होता था कि हमें रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ता था, उसके बाद रिस्पॉन्स मिलता था। अगर आप वेब सॉकेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हो और वंस कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, बिना आपकी मर्जी के, मतलब सर्वर में जैसे डेटा अपडेट हुआ वो सीधा क्लाइंट में अपडेट कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो सर्वर रुकता है कि भाई क्लाइंट मुझे रिक्वेस्ट करेगा तभी मैं डेटा दूंगा, क्योंकि इसमें कनेक्शन स्टेबलाइज होता है, जिसमें क्लाइंट और डेटा आपस में रियल टाइम में डेटा को एक्सचेंज कर पाते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और कुछ इनके स्टेप्स हैं कनेक्शन स्टेबलाइज करने के लिए, वो भी पढ़ लेंगे। अ वेब सॉकेट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स अ फुल डुप्लेक्स कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट लाइक अ वेब सर्वर, वेब ब्राउजर एंड अ सर्वर। दिस मीन्स बोथ द क्लाइंट एंड द सर्वर कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट एनी टाइम। वो क्लाइंट और सर्वर किसी भी टाइम डेटा को वो गेट कर सकते हैं बिना किसी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के पचड़ों में पड़े हुए, ठीक है। जैसे कि अनलाइक HTTP विच रिक्वायर्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। अब देखो यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट हैं कनेक्शन स्टेबलाइजेशन की। अब देखो इनिशियल रिक्वेस्ट, द क्लाइंट आपका जो भी ब्राउजर है सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट टू सर्वर आस्किंग टू अपग्रेड द कनेक्शन टू वेबसॉकेट। क्लाइंट आपका सबसे पहले HTTP रिक्वेस्ट भेजता है किसको, सर्वर को, और कहता है कि भाई क्या हम इस कनेक्शन को वेब सॉकेट से अपग्रेड कर सकते हैं। अगर सर्वर इस चीज़ को अग्री करता है, मतलब सबसे पहले क्लाइंट ने भेजा कि अरे सर्वर भाई हम इस कनेक्शन को वेब सॉकेट से अपग्रेड करना चाहते हैं, हम एक वेब सॉकेट कनेक्शन स्टेबलाइज करना चाहते हैं। इस केस में अगर सर्वर इस चीज़ को अग्री करता है तो वो एक स्टेटस कोड भेजता है, इनकेस 101 स्टेटस कोड भेजता है और कहता है कि ठीक है भाई हम वेब सॉकेट कनेक्शन में स्विच कर लेते हैं और अपग्रेड कंफर्म कर देता है। तो जैसे ही उसको एक हैंडशेक मिला ब्राउज़र तक, वो हैंडशेक कंप्लीट हो गया और एक लॉन्ग लिव्ड कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया वेब सॉकेट कनेक्शन। वंस द अपग्रेड इज कंप्लीट, वंस कनेक्शन इज स्टेबलाइज्ड, द कनेक्शन स्विचेज फ्रॉम द HTTP टू वेब सॉकेट। कनेक्शन जो है वो HTTP से स्विच करके किस में आ गया, वेब सॉकेट में। From this point, data can be sent back and forth over this connection without using HTTP. जैसे ही HTTP ने रिक्वेस्ट भेजी और बोला कि भाई इस कनेक्शन को हम वेब सॉकेट्स में अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे ही सर्वर ने अग्री किया उसने एक रिस्पॉन्स भेजा, ठीक है भाई अग्री हो गया, हैंडशेक हुआ, कनेक्शन स्टेबलाइज हुआ, उसके बाद HTTP का काम खत्म। अब क्या हुआ, बिना HTTP की हेल्प से वो आपस में डेटा को एक्सचेंज कर पाएंगे ईजिली, ठीक है। वंस अ वेब सॉकेट इज कनेक्शन इज स्टेबलाइज, डेटा कैन बी सेंट बैक एंड फोर्थ इंस्टेंटली विदाउट नीडिंग टू कॉन्स्टेंटली ओपन न्यू कनेक्शन। समझ रहे हो कितना अच्छा है ना। और ये बेसिकली यूज़ होता है हमारा जिसमें रियल टाइम डेटा हमें चाहिए होता है, जैसे चैट ऐप हो गया, आपने शेयर मार्केट की एप्लीकेशन देखी हुई, ऐसे ऐप्स, ऐसे जो भी ऐप्स आप देख रहे हो जिसमें रियल टाइम डेटा आपको चाहिए। तो आई होप आपको वेब सॉकेट समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ जिससे आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। HTTP क्या करता है, सबसे पहले प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं आपस में डेटा एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। HTTP यूज़ करता है हमारा TCP कनेक्शन। HTTP प्रोटोकॉल एक जरिया है आपस में डेटा को एक्सचेंज, वेब सर्वर से लेके क्लाइंट तक, ब्राउज़र तक डेटा एक्सचेंज करने के लिए। इसमें यूज़ करता है TCP कनेक्शन। उसके बाद ये डेटा को HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की हेल्प से शेयर करते हैं। वेयर एज HTTP रिक्वेस्ट सेम HTTP ही है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा हैंडशेक होता है, एक एक्स्ट्रा कनेक्शन स्टेबलाइज होता है जिसको हम बोलते हैं TLS। SSL भी बोलते हैं, TLS बोलते हैं। TLS में क्या होता है, कुछ आपस में सर्टिफिकेट्स और क्लाइंट की शेयर करते हैं ब्राउज़र और सर्वर, जिससे एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन स्टेबलाइज होता है, जिससे जो भी हमारा डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन सर्वर एंड वेब ब्राउज़र वो इनक्रिप्टेड होता है, जिससे बीच में वो डेटा ब्रीच नहीं हो पाता है। लास्ट में आता है थर्ड ऑप्शन आता है HTTP 3। वेयर एज HTTP 3 जो है हमारा एक लेटेस्ट वर्जन है HTTP का ही, जिसमें TCP यूज़ ना करके ये यूज़ करता है UDP कनेक्शन, ठीक है। UDP कनेक्शन यूज़ करता है, जिसमें UDP इज़ अ कनेक्शनलेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जिसमें बिना कनेक्शन स्टेबलाइज किए आप आपस में डेटा को एक्सचेंज कर पाते हो, ठीक है। तो ये यूज़ करता है UDP कनेक्शन। मैंने TCP समझा दिया कि आपस में कुछ सिंक्रोनाइजेशन के मैसेज सेंड करते हैं और वैसे ही कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाता है। UDP के बारे में आपने समझ लिया कि इसमें क्या होता है, बिना कनेक्शन स्टेबलाइज किए आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो थ्रू द IP एड्रेस। अब यहाँ पे लास्ट में मैंने वेब सॉकेट को समझा दिया कि वेब सॉकेट सबसे पहले HTTP की हेल्प से कनेक्शन स्टेबलाइज करता है। वंस कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया उसके बाद ये वेब सॉकेट पर अपग्रेड हो जाता है। अब इसके बाद डेटा सर्वर से और सर्वर क्लाइंट को, क्लाइंट सर्वर को डेटा एट एनी पॉइंट ये आपस में डेटा को एक्सचेंज कर पाते हैं बिना किसी HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ किए। तो आई होप आपको जो भी मैंने प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया इस वीडियो में वो समझ में आया होगा। और ये इतने ही प्रोटोकॉल्स नहीं होते, और भी होते हैं, FTP होता है, SMTP होता है और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। बेसिकली SMTP हम यूज़ करते हैं मेल्स वगैरह में। और FTP हम यूज़ करते हैं जैसे कि हमें अगर फाइल एक्सचेंज करनी, कुछ लार्ज फाइल एक्सचेंज करनी होती है बिटवीन द सर्वर एंड द ब्राउज़र, तो उस केस में हम FTP को यूज़ करते हैं। बेसिकली अपने फाइल ज़िला वगैरह यूज़ किया होगा, मैं तो बहुत यूज़ किया अपने इनिशियल लेवल पर, मैंने फाइल ज़िला बहुत यूज़ किया है फाइल्स वगैरह को अपलोड करने में लिए सर्वर पे। तो FTP जो प्रोटोकॉल होता है वो उन सब में यूज़ होता है, SMTP मेल्स वगैरह में यूज़ होता है। तो इनके अलावा भी बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आप अच्छे से इसमें और भी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, आप नेटवर्किंग के बारे में डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, क्योंकि जितना आप वीडियो देखोगे और डॉक्यूमेंट पढ़ोगे आपकी जो नॉलेज है और भी अच्छी होती जाएगी, आपका जो फाउंडेशन है और भी अच्छा होता रहेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सर इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता सकते हो, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर लो, क्योंकि इस कोर्स में, इस फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन के कोर्स में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आपने मेरा फर्स्ट वाला वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया कि इस पूरे कोर्स का कॉन्टेंट क्या रहने वाला है, नहीं देखा तो प्लीज़ यार उसको देख लो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।